का पहला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? आपका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी बिहार, सी कानपुर, डी हाजीपुर में। आपका सही जवाब होगा बी बिहार। आपका दूसरा सवाल है, भारत का पेरिस किसे कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए जयपुर को, बी जोधपुर को, सी शिमला को, डी कश्मीर को। आपका सही जवाब होगा ए जयपुर को। आपका तीसरा सवाल है, भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए गौतम, बी सिद्धार्थ, सी चाणक्य, डी राहुल। आपका सही जवाब होगा बी सिद्धार्थ। आपका चौथा सवाल है, मकड़ी बिना खाए पिए कितने दिनों तक जीवित रह सकती है? आपका ऑप्शन है ए 1 महीने, बी 4 महीने, सी 6 महीने, डी 8 महीने। आपका सही जवाब होगा डी 8 महीने। आपका पांचवा सवाल है, कोरोना वायरस का पहला किस किस देश में आया था? आपका ऑप्शन है ए चीन में, बी भारत में, सी अमेरिका में, डी जापान में। आपका सही जवाब होगा हे चीन में। रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 6, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? आपका ऑप्शन है हे बैंगन के, बी आलू के, सी करेला के, डी लौकी के। डॉट आपका सही जवाब होगा सी करेला के। आपका सातवां सवाल है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन सी, बी विटामिन डी, सी विटामिन के, डी विटामिन ए। आपका सही जवाब होगा बी विटामिन डी। आपका पांचवां सवाल है, सफेद सोना किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए चीनी को, बी नमक को, सी चावल को, डी कपास को। आपका सही जवाब होगा डी कपास को। आपका अगला सवाल है 9, महात्मा गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? आपका ऑप्शन है ए मुंबई, बी बिहार, सी गुजरात, डी उड़ीसा। आपका सही जवाब होगा सी गुजरात। आपका दसवां सवाल है, कौन सा जीव पैदा होते ही अपने माँ को खा जाता है? आपका ऑप्शन है ए सांप के बच्चे, बी केकड़े की बच्चे, सी केचुआ के बच्चे, डी बिल्ली की बच्चे। आपका सही जवाब होगा बी केकड़े की बच्चे। रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 11, भारतीय मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए चिल्का झील, बी डल झील, सी सांभर झील, डी वुलर झील। आपका सही जवाब होगा डी वुलर झील। आपका अगला सवाल है 12, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी असम। आपका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। आपका अगला सवाल है 13, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? आपका ऑप्शन है ए 2 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 5 वर्ष। आपका सही जवाब होगा डी 4 वर्ष। आपका अगला सवाल है 14, झीलों का नगर किसे कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए श्रीनगर को, बी उत्तराखंड को, सी देहरादून को, डी कन्याकुमारी को। आपका सही जवाब होगा ए श्रीनगर को। आपका अगला सवाल है 15, टोक्यो किस देश की राजधानी है? आपका ऑप्शन है ए श्रीलंका की, बी रूस की, सी जापान की, डी नेपाल की। आपका सही जवाब होगा सी जापान की। रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 16, एक लाख जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आपका ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी महात्मा गांधी, सी सरदार पटेल, डी इंदिरा गांधी। आपका सही जवाब होगा ए भगत सिंह। आपका अगला सवाल है 17, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए चुना का, बी आटा का, सी सफेद सीमेंट का,
डिक प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आपका सही जवाब होगा डिक प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आपका अगला सवाल है 18। अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए कुल्हाड़ी से पैरों को काट लेना, बी अपना नुकसान सुबह नहीं करना, सी पैरों से असंभव कार्य करना, डी कठिन कार्य करना। आपका सही जवाब होगा बी अपना नुकसान स्वयं ही करना। आपका अगला सवाल है चंद्रमा पर उगाया जाने वाला पहला पौधा कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए टमाटर का, बी आलू का, सी कपास का, डी गेहूं का। आपका सही जवाब होगा सी कपास का। अब यह सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है लाल किला भारत के किस शहर में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी मथुरा। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।